मैम सर ने आपको बुलाया है। यस सर। सॉरी दिस इज ऑकवर्ड। या लुक फलक, वी आर एन इमेज कॉन्शियस कंपनी एंड माय बॉस तुषार सिंघल हैज जस्ट आई डोंट नो आई अंडरस्टैंड यार, बट विद दिस मर्जर आई डोंट नो अबाउट दिस। तुम एक काम क्यों नहीं करती, व्हाई डोंट यू टेक अ फ्यू डेज ऑफ, तुम छुट्टी पे चली जाओ यार, एंड यू नो लुक फॉर प्रोस्पेक्ट्स, दिस इज यू नो हाउ इट इज। Ask your accounts department to just clear my dues. I'll do that. डिस्क्रिप्शन तो दिया था मैंने आपको। हाँ हमने वो फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली है। पता नहीं क्या देख लिया आपने। ठंडी है भाई, ठीक है अब कितना शोर शराबा करना है कर ले ले। कुछ करती है नहीं अमोद, निकलूं क्या मैं? दवाई खाकर सड़क पर उसे ढूंढने। अरे दीपक सैगल, कोई नॉर्थ, नॉर्थ उसे उठा के ले गए, वो लड़की नॉर्थ। यस बैक इट, कोई नॉर्थ। हमें समझ गया, नॉर्थ में समझ गया। साकेत सब पुलिस स्टेशन देखे, ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। आराम से यार, जल्दी ले क्या गेटिंग टर्न डाउन, इसको मुझे नहीं करवाने, पता लेना है। गाड़ी रुक यार, एक बार गाड़ी रुक।
ना कुछ बोलियो मत, समझी? ये सिर्फ इंट्रो था, ओके? कैच यू लेटर। चल निकल। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, लेट्स जस्ट लीव दिस प्लेस। हाँ शौकीन। जय जनाब। जनाब एक कंप्लेंट आई है, वो लड़कियों का केस है, तफ्तीश करनी पड़ेगी जनाब। हाँ तो करो, क्या प्रॉब्लम है? जनाब जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है ना, वो रंजीत सिंह का भतीजा है। साउथ दिल्ली वाला? जी। हाँ तो रखो फोन। जय जनाब। सर मैं जेसीपी अमोद बोल रहा हूँ। सर वो रंजीत सिंह के भतीजे के खिलाफ सूरजकुंड में रिपोर्ट दर्ज हुई है। सर मॉलेस्टेशन का मामला है। राइट सर। कहाँ हुआ ये सब? सूरजकुंड में। कौन कौन थे वहाँ? मैं, विश्व और डंपी थे। मुझे नहीं था। ये आपके साथ पटियाला गया था। और लड़कियाँ कहाँ की थी? एक तो दिल्ली की है, एक लखनऊ से है, और तीसरी अरुणाचल सिक्किम विक्किम कहीं से तो है। नॉर्थ ईस्ट से। जाओ तुम जाओ, वीरू तुम यहीं रुको। इतनी बड़ी दाढ़ी होगी तेरी, अब तो इन बच्चों के साथ उठना बैठना बंद कर दे। सूरजकुंड पुलिस थाने से हैं जी। जी बोलिए। एफआईआर लॉज हो गया। तुम दोनों में से मीनल कौन है? जी जी मैं हूँ। चलो जरा नीचे। क्यों? पर क्यों? एसएचओ मैडम बात करेंगी। अरे तो यहाँ बात करिए ना आप। यहाँ मैं क्या करूंगी बात, मैडम ही करेंगी। एसएचओ मैडम देख के रही हो। चलो। मीनल अरोड़ा आप हैं? हाँ जी। चलिए हमारे साथ, पूछताछ करनी है। मैम ऊपर चल के बात करते हैं। क्या ऊपर चल के बात करते हैं? प्रॉब्लम क्या है? चल बैठ। वारंट है इसके खिलाफ। मुकेश 307 का चार्ज लगा मैडम, अटेम्प्ट टू मर्डर, और 7 दिन से हम लोग तलाश कर रहे हैं। चलिए कमेंट थाने में। चलिए कमेंट तो हमने की हफ्ते से ढूंढ रहे हैं इसको। एक बात समझ में।
सूरज कुंड थाने में आ जाइयो, पता चल जाएगा। मिनल मैडम प्लीज, कंप्लेन हमने करी थी बट हां मैम, आई हैव नो नो आईडिया, आई एम जस्ट आई एम गोना कम हियर मैम। 11 बजे तक आ जाएंगी, 12 बज गए। मैडम आने पे बता दिया जाएगा आपको, लेकिन कुछ टाइम तो। मैडम बैठिए बाहर, चलिए आप। हाँ पुत्र, मैं आ गया हूँ यहाँ पर थाने पे। हाँ किधर आना है? बाद में आएंगे मैडम, उधर जाके बैठिए, 6 बजे के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन आप कब तक रखेंगे उसको लॉकअप में, एक बार मिलने तो दीजिए। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मैम आप अपना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट में जाकर आप बेल की तैयारी करो। साढ़े 8 बज गए हैं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अंकल आप जाइए ना, हम हैं। विल वेट। बेटा कैसे चला जाऊँ मैं? चीजें आगे दो। मैम प्लीज एक बार। राजेश जी। मैडम 2 मिनट के लिए मिलवा देना। जी थैंक यू मैम। चलो थैंक यू। मीनू बेटा तू ठीक तो है? पापा आप घर चले जाइए। पापा प्लीज, पापा घर चले जाइए। आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वारंट दिखाया तो था इसे। आपकी छोरी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, लड़का मर मुरा जाता तो पेशा करते, वो पता है कि नहीं आपको? ये क्या बोल रही हैं आप? चुपचाप खड़ी रहे, बाहर निकलवा दूंगी, नहीं तो ये क्या बताएंगी इनका भी नाम इस केस में। एक काम करो, यह है जी आपकी FIR की कॉपी। पेपर वो कॉपी, कंप्लेंट कॉपी। हाँ लेकिन आपको क्या करना है? आई जस्ट वॉन्ट टू चार्ज क्या है, मैं यू शो मी द कंप्लेंट पेपर। सो मीनल पुलिस स्टेशन मैन, यू फलक एंड शी इज आंद्रिया। Charges are section 320 with 324, causing grievous injury, section 307 attempt to murder, attempt to extort and prostitution. Friday court aaya taki bail na mil sake. Bail to waise bhi nahi mil sakti, they said it's a non bailable offense. Pen, your pen. एक लॉयर करना, सैटरडे को सेशंस जज के घर पे जाकर एक इमरजेंसी बिल प्ले डालने को बोल। यस इमरजेंसी बिल प्ले। वैसे वेमेन और माइनर्स को बेल मिल सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। यस फलक सी दिस।